चलिएगा, तो अब आगे बात करते हैं हम सोशियो रिलीजियस मूवमेंट या सामाजिक धार्मिक जो रिलीजियस मूवमेंट हुए हैं उनके बारे में। अभी तक जो हमने डिस्कस किया है उन टॉपिक्स की अगर बात करें, तो अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं राजा राम मोहन राय और उनके जो अभियान हुए हैं, खासतौर से ब्रह्म समाज, और राजा राम मोहन राय ने अपने जीवन में जो कुछ भी सुधार किए हैं उनके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, इनके अलावा अगर हम बात करें तो प्रार्थना समाज हमने पढ़ी है, जो आत्माराम पांडुरंग के द्वारा स्थापित किया गया था, और ये भी महाराष्ट्र या बम्बई से रिलेटेड है, बॉम्बे में उन्होंने स्टार्ट किया था 1867 में। इसके अलावा हमने डिस्कस किया है ईश्वरचंद विद्यासागर और उनके द्वारा जो संघर्ष किए गए और उनके द्वारा जो समाज में सुधार लाए गए, ठीक है ना, उनके बारे उस टॉपिक को हमने डिस्कस किया। इसके अलावा हमने बंगाल में हेनरी विवियन डिरोजियो के द्वारा जो यंग बंगाल मूवमेंट शुरू हुआ, ठीक है, और उन्होंने जो एक्टिविटी लाने की कोशिश की, उन्होंने जो सुधार करने की कोशिश की, उसके बारे में हमने डिस्कस किया। ठीक है, तो इन टॉपिक्स को अभी तक हम पढ़ चुके हैं। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, और यहाँ से अब हम वेस्टर्न इंडिया या पश्चिमी भारत में जो रिफॉर्म्स हुए हैं, जो रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट हुए हैं, उनको फोकस करना शुरू करेंगे। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे ना वेस्टर्न इंडिया या पश्चिमी भारत के जो समाज सुधारक थे, ठीक है ना, जो रिफॉर्मिस्ट थे उनके बारे में। वेस्टर्न इंडिया से हमारा फोकस होगा खासतौर से महाराष्ट्र। ठीक है, अब आप लोग बस इतना समझे, देखिए जहाँ पर इनिशियल लेवल पर डेवलपमेंट हुआ, एजुकेशन हुआ, वहाँ से ये मूवमेंट शुरू हुए हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को पता है कि बंगाल पर ब्रिटिशर्स ने सबसे पहले कंट्रोल किया था, तो बंगाल पर सबसे ज़्यादा प्रभाव था अंग्रेजों का, इसलिए सबसे पहले मूवमेंट भी या समाज सुधार आंदोलन भी कहाँ से हुए, बंगाल में हुए। ठीक है, और फिर अगर बात करें तो बॉम्बे पे भी ब्रिटिशर्स ने नियंत्रण कर लिया था, कंट्रोल कर लिया था, बॉम्बे प्रेसिडेंसी भी बना ली थी, और तो फिर जो है मूवमेंट जो है बंगाल के अलावा कहाँ से हुए थे, बम्बई से हुए थे या बॉम्बे से हुए थे, ठीक है, महाराष्ट्र से हुए थे। तो अगर हम बात करें वेस्टर्न आइडियाज़ की या पश्चिमी विचारों की, तो पश्चिमी विचारों का असर बंगाल पर काफ़ी पहले से ही पड़ने लगा था। 1818 से ही बंगाल पर प्रभावी रूप से ब्रिटिश शासन चलने लगा था। वैसे तो बंगाल पर ब्रिटिश शासन 1757 से ही शुरू हो चुका था, लेकिन उस समय थोड़ा सा हम देखते हैं कि इनडायरेक्ट रूल था, फिर 1765 से डुअल गवर्नमेंट चला, फिर 1772 से पूरी तरह से शासन अपने हाथ में लिया। तो धीरे धीरे जो प्रभावी रूप से शासन था वो थोड़ा सा देर से हुआ था। और अगर हम महाराष्ट्र की बात करें या मराठा की बात करें, एरिया की बात करें, मराठा विक्ट्रीज की बात करें, तो 1818 में तो महाराष्ट्र पर विजय ही प्राप्त करी थी अंग्रेजों ने। तो जब विजय प्राप्त करी फिर वहाँ पे शासन करना शुरू किया, और जब शासन करना शुरू किया तब वेस्टर्न कल्चर्स का, वेस्टर्न रीति रिवाजों का वहाँ पर फैलना शुरू हुआ, वहाँ पर उन चीज़ों का असर हुआ, और फिर धीरे धीरे वहाँ पर जो रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट थे, समाज सुधार आंदोलन थे, वो भी शुरू हुए। ठीक है, तो यहाँ पे ना थोड़ा सा यहाँ पे बंगाल या हम बात करें तो बाद में थोड़ा सा महाराष्ट्र में थोड़ा बाद में ये मूवमेंट शुरू हुए थे। ठीक है, वहाँ पे काफ़ी पहले हो चुके थे, यहाँ पे थोड़ा सा समय बाद में समय लगता। ठीक है, तो बम्बई में अगर हम बात करें, बॉम्बे प्रेसिडेंसी क्योंकि पहले कहलाती थी, महाराष्ट्र नाम पहले नहीं था, पहले क्या थी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी। तो बॉम्बे में या बम्बई में जो मुख्य नाम या सबसे पहला नाम आता है वो आता है बाल शास्त्री जांबेकर का। ठीक है, किसका आता है, बाल शास्त्री जांबेकर। बाल शास्त्री जांबेकर प्रथम सुधारकों में से एक थे बॉम्बे के, या हम बात करें महाराष्ट्र के। ठीक है, बाल शास्त्री जांबेकर जिन्होंने ब्राह्मणवादी कट्टरता, यानी कि जो ब्राह्मण ऑर्थोडॉक्सी थी, ठीक है, अब आप सभी को पता है कि हमारे देश में ब्राह्मण सबसे उच्च वर्ग के लोग कहलाते हैं, सबसे उच्च जाति के लोग कहलाते हैं, और हमारे देश में ऑब्वियसली प्राचीन समय पर और आज के समय पर भी जाति प्रथा काफ़ी ज़्यादा देखी जाती है। ठीक है, जाति प्रथा का मतलब ये है कि अगर आप हमारे देश में ना कई सारी जातियाँ थी और आज भी हैं, तो जो जाति प्रथा है वो इस तरह से थी कि आपने क्या किया था कि हिंदू धर्म को अनेकों जातियों में, यानी कई सारी कास्ट में डिवाइड किया था, और इन जातियों के वर्ग बने हुए थे, कोई ऊंची जाति का तो कोई नीची जाति का। ठीक है, यदि कोई व्यक्ति जिस जाति में जन्म लेता है उसको उन्हीं जाति के परंपराओं, उन्हीं जाति के रूल्स रेगुलेशंस के अनुसार काम करना होता था। ठीक है, अब प्रॉब्लम ये यहाँ पे ये थी कि जो नीची जाति के जो लोग थे उन्हें कुछ जातियों को अछूत वर्ग कहा जाता था। ठीक है ना, और जो अछूत वर्ग के लोग थे उनके साथ काफ़ी ज़्यादा भेदभाव किया जाता था, उनके ऊपर कई प्रकार के अत्याचार किए जाते थे। अब भेदभाव इस तरह से कि उन्हें टच करना, स्पर्श करना, ठीक है, या फिर उन्हें देख भी लेने पर भी जो उच्च जाति के लोग थे वो अपना अभाग्य मानते थे, यानी कि काफ़ी भेदभाव था। ठीक है, इवन उनको टच भी नहीं कर सकते थे। इवन कि कई, अगर हम वेस्टर्न एरिया की बात करें या महाराष्ट्र वाले क्षेत्र की बात करें,
तो वहां पर तो सिर्फ छाया मात्र से भी लोग उनसे नफरत कर रहे थे, या इस तरह की एक्टिविटी हमें देखने को मिलती थी। और ये सब कुछ जो होता था वो जातिवाद के कारण था, ठीक है। दूसरा, जैसे उनके लिए जो पानी के जो सोर्स हैं, जैसे हर जैसे पानी का सोर्स है कुआं तालाब वगैरह वगैरह, तो उन लोगों के कुएं तालाब जो थे वो अलग हुआ करते थे। यदि कहीं पर वो नहीं है तो फिर उन्हें ऐसी जगहों से पानी लेना पड़ता था जो जो एक ह्यूमन के लिए सही नहीं माने जाते, ठीक है। तो इट मींस कि आप लोग ये समझें कि भेदभाव काफ़ी ज़्यादा था और जातिगत भेदभाव काफ़ी ज़्यादा चलता था, जिसमें जिसका बेसिकली रीज़न अगर देखा जाए तो उच्च जाति की जो प्रिंसिपैलिटी थी, उच्च जाति की जो अथॉरिटी थी, जिसमें सबसे पहले नंबर पे कौन आते हैं, ब्राह्मण आते हैं, ठीक है। तो देखिए, महाराष्ट्र वाले क्षेत्र से अगर देखें ना, या इधर वाले एरिया से देखें, तो जातिगत कट्टरता को दूर करने की काफ़ी कोशिश की गई है। अगर हम चाहें तो ज्योतिबा फुले की बात करें, ठीक है, तो इन लोगों ने क्या किया है, या इन समाज सुधारकों ने जो वेस्टर्न इंडिया के या महाराष्ट्र वाले क्षेत्र के थे, उन्होंने जातिगत कट्टरता को दूर करने की काफ़ी कोशिश की, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने जो पहला नाम बताया है वो बताया है बाल शास्त्री जांबेकर, और बाल शास्त्री जांबेकर ने ब्राह्मणवादी कट्टरवादिता की आलोचना की है और हिंदुओं की आम प्रथाओं में सुधार लाने की कोशिश की, ठीक है। जो बेसिक रिचुअल्स या जो नॉर्मल रिचुअल्स थे हिंदुओं के, उनमें कुछ सुधार लाने की कोशिश की किसने, बाल शास्त्री जांबेकर ने। तो एक नाम तो मैंने बताया बाल शास्त्री जांबेकर, जो हम बोल सकते हैं कि पश्चिमी भारत या वेस्टर्न इंडिया के सबसे पहले समाज सुधारकों में से एक हम उनको समझ सकते हैं, ठीक है। तो एक नाम यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, बाल शास्त्री जांबेकर। ठीक है, इनके अलावा अगर बात की जाए तो 1849 में महाराष्ट्र में या बॉम्बे वाले क्षेत्र में या महाराष्ट्र के अलग अलग क्षेत्रों में एक और ऑर्गेनाइजेशन डेवलप हुई थी जिसका नाम था परमहंस मंडली, ठीक है। तो दूसरा नाम मैं यहां पे बता रहा हूं परमहंस मंडली का, परमहंस मंडली 1849-1849 में महाराष्ट्र में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। इसके संस्थापक जो थे वो आस्तिक थे, यानी कि वो ईश्वर को मानने वाले थे, नास्तिक नहीं थे, आस्तिक ही थे, ठीक है ना। तो इसके जो फाउंडर्स थे परमहंस मंडली के, उनके जो संस्थापक थे वो आस्तिक थे, और मूल रूप से उनकी जो दिलचस्पी थी वो जात पात के बंधनों को तोड़ने में थी। इट मींस कि यहाँ पर भी जो फोकस किया गया वो जात पात के बंधनों को तोड़ने की कोशिश की गई, ठीक है, क्योंकि इंडिया में या हिंदुओं में जात प्रथा जो जातिवादी थी या कास्टिज्म था वो काफ़ी ज़्यादा चरम पर था उस समय पर, ठीक है। महिलाओं की शिक्षा के लिए स्कूल आरंभ करना भी इस संस्था के मुख्य लक्ष्यों में से एक था। इट मींस फीमेल एजुकेशन या वुमेन एजुकेशन के लिए भी परमहंस मंडली ने अपनी एक्टिविटी की है, अपना अपना जो है कार्य किया, ठीक है। 1851 में ज्योतिबा फुले और उनकी जो वाइफ थी, उनकी जो पत्नी थी सावित्री बाई फुले के द्वारा पहली बार या फर्स्ट टाइम एक वुमेन स्कूल की, एक वुमेन महिला स्कूल के लिए की स्थापना की गई थी पुणे में। तो यहाँ पे एक नाम और मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ज्योतिबा फुले, ज्योतिबा फुले, जिन्होंने 1851-1851 में पुणे में पहला जो है वुमेन स्कूल इस्टेब्लिश किया था, पहला महिला स्कूल शुरू किया था, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र में नई शिक्षा और सामाजिक सुधारों के प्रवक्ता गोपाल हरी देशमुख, ये सबसे फेमस नाम है, ठीक है। ज्योतिबा फुले भी आप लोगों को एग्जाम में पूछा जाता है, परमहंस मंडली कहाँ से संबंधित है ये क्वेश्चन आता है, बाल शास्त्री जांबेकर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चौथा पॉइंट जो है, जो मैं बता रहा हूँ वो है गोपाल हरी देशमुख, ठीक है, गोपाल हरी देशमुख। गोपाल हरी देशमुख, जिन्हें लोकहितवादी के नाम से भी जाना जाता है, क्लियर, ये वो फेमस है लोकहितवादी, तो इन्हें लोकहितवादी के नाम से जाना जाता है, और इन्होंने नई शिक्षा और सामाजिक सुधारों के प्रवक्ता कहे जाते हैं, गोपाल हरी देशमुख, ठीक है। एक नाम और जो जरूरी है बॉम्बे से या बम्बई से ही, जो कि है दादा भाई नौरोजी, ठीक है। दादा भाई नौरोजी की अगर बात करें तो उन्होंने जो पारसी धर्म था, पारसी धर्म सुधारक के रूप में कार्य किया था, दादा भाई नौरोजी। और आप सभी को पता है
कि कांग्रेस पार्टी के भी अगर हम देखें तो एक मुख्य मेंबर के रूप में जाने जाते हैं दादा भाई नौरोजी। इन्होंने कांग्रेस के जो सेशंस थे उन्हें भी उनमें चेयरमैनशिप भी की थी, उनकी अध्यक्षता भी की थी। तो कांग्रेस के जो कांग्रेस के ओल्ड ग्रैंड मैन के रूप में भी जाना जाता है दादा भाई नौरोजी को, ठीक है, वयोवृद्ध पुरुष के रूप में। और दादा भाई नौरोजी फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने इंडिया में ब्रिटिशर्स के द्वारा जो दोहन किया गया था, जो आर्थिक दोहन हुआ था, उसके ऊपर अपनी बुक लिखी थी, अपनी अवधारणाएं बताई थी, ठीक है ना। तो इनकी एक फेमस बुक भी है उस मुद्दे के ऊपर जिसका नाम था इनकी जो बुक है उसका नाम मैं आपको बताऊंगा बाद में। हालांकि मैंने आप लोग कई बार पहले भी डिस्कस किया है, इनकी एक फेमस बुक है द पुअर्टी ऑफ एन अनब्रिटिश रूल, ठीक है, द पुअर्टी ऑफ एन अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है। तो उस बुक में उन्होंने एक आर्थिक दोहन का कंसेप्ट बताया है, ठीक है, ड्रेन ऑफ वेल्थ और ड्रेन ऑफ ब्रेन, ड्रेन ऑफ वेल्थ एंड ड्रेन ऑफ ब्रेन, ये दोनों कंसेप्ट बताए हैं। और किस तरह ब्रिटिशर्स ने पूरे बंगाल या ब्रिटिश रूल के कारण बंगाल में निर्धनता आई थी, ठीक है, बंगाल में गरीबी आई थी, और भारत के जो ट्रेड था, भारत के जो व्यापारी थे, भारत के जो छोटे छोटे उद्योगपति थे, जो काश्तकार थे, जो दस्तकार थे, जो शिल्पकार थे, ठीक है ना, उनके जीवन में जो गरीबी आई है, उनके जीवन में जो निर्धनता आई है और उनका जो जीवन पिछड़ेपन में गुजर रहा है, इन सारी चीज़ों का जो कारण था उन्होंने बताया था ब्रिटिश रूल को। और उस बुक में उन्होंने सारे अवधारणाएं, सारे कंसेप्ट क्लियर किए थे। तो दादा भाई नौरोजी की अगर बात करें तो इन्हें काफ़ी फेमस सोशल रिफॉर्मिस्ट के रूप में जाना जाता है, रिलीजियस रिफॉर्मिस्ट के रूप में जाना जाता है, साथ ही एक एक्टिव पॉलिटिशियन के रूप में भी जाना जाता है। और कांग्रेस के जो स्टार्टिंग के जो कुछ ग्रेट लीडर्स थे उनमें से एक माने जाते हैं दादा भाई नौरोजी। तो देखिए, दादा भाई नौरोजी बॉम्बे के दूसरे प्रमुख सुधारक थे, तो ही वॉज ऑल्सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिफॉर्मिस्ट ऑफ बॉम्बे। पारसी धर्म सुधार संगठन के संस्थापकों में वे थे, ठीक है। तो पारसी धर्म सुधारक जो संगठन बनाए गए थे, जो पारसी रिलीजियस रिफॉर्मिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस बने थे, उनके जो फाउंडर्स थे उनमें से वे एक थे, और पारसी कानून संघ के जन्मदाताओं में भी वे थे, ठीक है। तो पारसी लॉ यूनियन जो बना था उसके भी संस्थापक में से वे एक थे। इस संगठन ने महिलाओं को कानूनी हक दिलाने के लिए तथा पारसी लोगों की शादी और उत्तराधिकार संबंधी कानून को कानूनी हक दिलाने के लिए आंदोलन किए थे। तो ये जो इनका ऑर्गेनाइजेशन था, इन ऑर्गेनाइजेशन का क्या टारगेट था, इन ऑर्गेनाइजेशन का टारगेट था कि वुमेन या महिलाओं को कानूनी हक दिलाना है, ठीक है। तो महिलाओं के कानूनी हक की बात की है, साथ ही पारसी लोगों की शादी है ना, देखिए पारसी कम्युनिटी ना काफ़ी कम है संख्या में, तो इनको इनके जो विवाह है इन सारी चीज़ों के लिए इन्होंने के लिए आंदोलन किए। साथ ही जो इनके उत्तराधिकार संबंधी अधिकार हैं उसको लेकर भी इन्होंने मूवमेंट कराए थे। तो यहाँ पे दादा भाई नौरोजी की अगर हम बात करें तो उनके बारे में मैंने आप लोगों को बताया। सुधारकों ने से संबंधित जो ये टॉपिक है इसमें हम ये समझें कि सुधारकों ने शुरू में अपना जो संघर्ष था वो मुख्य रूप से भारतीय भाषाओं के अखबारों और साहित्य के माध्यम से चलाया था, ठीक है। तो ये रिफॉर्मिस्ट जो थे ना, ये अपना ये मूवमेंट किस तरह से चलाएंगे, क्योंकि देखिए रिफॉर्मिस्ट हैं तो इन्हें पब्लिक तक अपनी बातों को, अपने विचारों को पहुंचाना काफ़ी ज़रूरी है, मॉडर्न आइडियाज़ को जनता तक पहुंचाना काफ़ी ज़रूरी है। तो इन आइडियाज़ को ये किस तरह से जनता में स्प्रेड करेंगे, तो इसके लिए इन्होंने यूज़ किया है या सहारा लिया है अपनी ही लैंग्वेजेस का, अपने इंडियन लैंग्वेज का, और साहित्य के माध्यम से इन्होंने अपनी आइडियाज़ को पब्लिक तक स्प्रेड करने की भूमिका निभाई है। इसके लिए इन्होंने क्या किया, इसके लिए इन्होंने पाठ्य पुस्तकें बनाई, ठीक है, जो टेक्स्ट बुक होती हैं, जो पाठ्य पुस्तकें होती हैं उनमें अपनी बातें बताई, अपनी बुक्स, अपनी कविताएँ, अपनी पोएम्स या अपनी कहानियाँ लिखी, और इसके माध्यम से उन्होंने जन साधारण तक या पब्लिक तक अपने विचारों को, न्यू आइडियाज़ को स्प्रेड किया, ठीक है। इसके एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं जैसे ईश्वरचंद विद्यासागर हुए या रविन्द्रनाथ ठाकुर या रविन्द्रनाथ जो टैगोर थे, इनके जैसे महान लोगों ने अपने विचारों को पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से क्या किया था, स्प्रेड किया था। हालांकि कई लोगों ने पत्रिकाएँ, अखबार, ये सारी चीज़ें भी धीरे धीरे चली और इन माध्यमों से भी अपने विचारों को स्प्रेड किया, ठीक है। ये समाज सुधारक ही वास्तव में नई धारा के प्रवर्तक थे। तो जो न्यू आइडियोलॉजी आई थी, ये जो नई विचारधारा आई थी, इसको जनता तक फैलाने का या इसका प्रवर्तन करने का काम इन रिफॉर्मिस्ट ने ही किया था, ठीक है। तो इंडिया के जो रिफॉर्मिस्ट थे 19th सेंचुरी अगर हम बात करें, 19वीं शताब्दी की अगर हम बात करें ना, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ समाज सुधारक एक बहुत बड़ा टॉपिक आपका रहता है,
हम देखते हैं कि 18वीं शताब्दी जो थी, 18वीं शताब्दी में इंडिया की राजनीतिक स्थिति में काफ़ी बड़े बड़े भूचाल आए हुए थे और काफ़ी इंटरेस्टिंग टाइम वो था 100 ईयर्स का, जिसमें एक मुगल जो शक्ति थी वो वीक हो चुकी थी, उसका पतन हो रहा था, और फिर जो क्षेत्रीय शक्तियां थी वो उभर कर सामने आ रही थी, और फिर एक तीसरी शक्ति जो आई थी इंडिया में वो थे ब्रिटिशर्स, जिन्होंने इन सबको कंट्रोल करके अपना शासन स्थापित कर लिया। और फिर जब इन्होंने शासन कर लिया तो फिर इनके जो ट्रेडिशन थे, इनके जो आइडियाज़ थे, इनके जो जो भी इनकी विचारधाराएं थी और जिस तरह से इन्होंने भारत का शोषण किया या इंडिया का शोषण किया, इससे धीरे 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 करके इंडियन पब्लिक में, भारतीय सुधारकों में, भारत के जो इंटेलेक्चुअल्स थे उन लोगों में एक नई आइडियाज डेवलप होना शुरू हुए और इनको क्लियर हुआ, इनको ये बात समझ में आई कि किस तरह से कुछ मुट्ठी भर विदेशियों ने इंडिया पर शासन किया और उसका कारण हमारे समाज, हमारे धर्म और हमारी जो सांस्कृतिक कमियां कमजोरियां हैं उस कारण से ये लोग ऐसा कर पाए थे। ठीक है, तो अब इन्होंने भारत के धर्म की, भारत की संस्कृति की, भारत के समाज की जो कमियां थी उनको दूर करने की कोशिश की है, और उनको दूर करने के लिए ही इन्होंने ये मूवमेंट किए। भले ही ये संख्या में कम हो, भले ही इनके नंबर्स कम हो, लेकिन इन्होंने काफ़ी काफ़ी ग्रेट वर्क किया है, काफ़ी इन्फ्लुएंसिव वर्क किया है, और इन्हीं के द्वारा जो कार्य किए गए उसी से भारत की रचना और भारत के निर्माण पर क्या हुआ है, प्रभाव पड़ा है। ठीक है, तो आज के समय या आगे जो भारत बना है, भारत की जो रचना हुई है, उसमें सबसे मुख्य योगदान अगर देखा जाए, सबसे मुख्य अगर किसी ने कार्य किया है तो वो ये रिफॉर्मिस्ट थे, जो 19th सेंचुरी के रिफॉर्मिस्ट थे, जो 19वीं शताब्दी के समाज सुधारक थे, इनके द्वारा जो जो एक्टिविटी परफॉर्म की गई है उसी से भारत की रचना या नए भारत की रचना का या नए भारत का निर्माण इन्हीं के प्रयासों से हुआ था। ठीक है, चलिए तो अब हम बात करेंगे वेस्टर्न भारत के, वेस्टर्न इंडिया के जो रिफॉर्मिस्ट थे उनके बारे में, और सबसे पहला नाम जो आप लोग यहां पे देख रहे हैं वो है बाल शास्त्री जांबेकर का। ठीक है, तो सबसे पहले डिस्कशन किया जाएगा बाल शास्त्री जांबेकर, और मैं बता चुका हूं ये कहां से हैं, तो ये ही बिलोंग्स फ्रॉम बॉम्बे, तो ये बंबई के एक रिफॉर्मिस्ट थे या सोशल रिफॉर्मिस्ट थे। ठीक है,